इसका 4,80,000 4,80,000 ये जो प्राइस है कम ज्यादा होगा? होगा, हो जाएगा। क्या रेट रखे इसका? 1,60,000 1,60,000 में दे देंगे। इसका तो 2,50,000 का है, 2,50,000 में छोड़ देंगे। क्या डिमांड रखे इसका? इसका 2,20,000 2,20,000 में छोड़। अच्छा, आज बेच के देंगे, बेच के जाएंगे। क्या रेट रखे है? इसका 2,50,000 2,50,000 में छोड़ेंगे क्या डिमांड रखे इसका? 3,80,000 में छोड़ देंगे। क्या डिमांड रखे इसका? 4,80,000 नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में ब्लॉग चित्रांश में। मैं हूं चित्रांश देवांगन। आज मैं आपको ऐसे बेहतरीन बेहतरीन ट्रैक्टर्स दिखाने वाला हूं जिसमें अच्छी कलेक्शंस है। महिंद्रा का देख सकते हैं, 6-7 ट्रैक्टर महिंद्रा है। टोटल आपको यहां मैं 12-15 ट्रैक्टर दिखाऊंगा जिसमें आपको एक ऐसे ट्रैक्टर्स है जो महिंद्रा ट्रैक्टर्स के साथ में ट्रॉली भी है, हाइड्रोलिक ट्रॉली के साथ मिलेगा। तो उसका डिटेल्स मैं आपको भैया के थ्रू बताऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की होगी किसान भाइयों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है चित्रांश 1,2,3,4,5। और फेसबुक में जाइए, ब्लॉग चित्रांश सर्च कीजिए, वहाँ भी हमारे वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, भैया को बुलाते हैं। वेलकम माई यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या है? यशवंत कुमार साहू। यशवंत कुमार साहू, यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ लगभग 2 साल हो गए। 2 साल। शॉप का नाम क्या है? किसान ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर। किसान ट्रैक्टर कर रहे हैं। और यहाँ कितने प्राइस में स्टार्टिंग, सेकंड हैंड में? सेकंड हैंड में वही लगभग 1,60,000 से चालू है। 1,60,000 से। और उससे कम में भी मिलता है? हाँ मिलता है ना, मिल जाता है ना। और फाइनेंस की सुविधा है? सुविधा है ना, श्रीराम है। श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम है। एड्रेस बता दीजिए, पता जिसको लेने के लिए आना होगा। यहाँ शाम तरई, बस्तर रोड, शाम तरई, श्याम तरई, बस्तर रोड ना। अच्छा, ये धमतरी से ज्यादा दूर नहीं पड़ता? नहीं। तो अभी कौन कौन सा ट्रैक्टर है आपके पास? अभी सभी ट्रैक्टर पूरा अवेलेबल है। हाँ। महिंद्रा है, स्वराज है, सोनालिका है। हाँ। जॉन डियर है। हाँ। स्टार्ट करते हैं, सोनालिका का है 740। ये कौन सी मॉडल है? ये 19 का मॉडल है, 2019 का मॉडल है। कितने एचपी में आता है? 42 एचपी। कितना घंटा चला होगा ये? लगभग 400 कुछ घंटा चला है। 400? अच्छा। बाकी कुछ खर्चा इसमें? अभी फिलहाल तो कुछ खर्चा नहीं है। कुछ खर्चा नहीं है। पासिंग कहाँ का होगा? ये सीजी 7 है, 7 दुर्ग का पासिंग। क्या रेट रखे इसका? इसका 4,80,000 4,80,000 ये जो प्राइस है कम ज्यादा होगा? होगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। बाकी ये तो पूरा ओके करके दिया जाएगा। हाँ। जो माल बता रहे हैं कस्टमर बोलेगा ना, उसके हिसाब से अगर उसको कुछ गलत लग रहा है उसको सुधार के देंगे। अच्छा, और ये जो आप प्राइस बता रहे हैं उसमें पेपर इंक्लूड है कि अलग से लगेगा पेपर का पैसा? वो कस्टमर ऊपर खेल रहता है पूरा, जैसा मतलब कस्टमर बोलता है ना तो पेपर इन्वेंट करके पूरा देते हैं ना, करके दे ना, तो प्राइस एक साथ बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महिंद्रा का, ये महिंद्रा 475 DLX कौन सी मॉडल है? ये 2007 मॉडल, 2007 का मॉडल। अच्छा, कितना घंटा चल गया होगा ये? तो लगभग इसका मीटर बंद हो गया है। अच्छा, फिर भी समथिंग ये 7,000 चल गया। हाँ, 7,000 के आसपास चला होगा, चल गया ना। कितने एचपी में आता है? 42 एचपी में। अच्छा, बाकी पूरा ओके करके दिया जाएगा टायर वगैरह? हाँ, जैसे कस्टमर टायर के लिए बोलेंगे, टायर के लिए बोलेंगे तो रिमोट करके देंगे ना इसका? अच्छा, प्राइस की? हाँ, क्या रेट रखे इसका? 1,60,000 1,60,000 में दे देंगे। अच्छा, इसके बाद देखेंगे एक और है महिंद्रा का B275 DI। ये वाली महिंद्रा B275 DI जी, DLX भूमिपुत्र है ना ये भी? भूमिपुत्र है। कौन सी मॉडल होगी ये? 2013 का, 2013 मॉडल है। कितने एचपी में आता है ये? 39 एचपी में। 39 एचपी। कितना घंटा चल गया होगा ये? लगभग 3,500 के आसपास होगा, 3,500 आसपास चला हुआ है। पासिंग कहाँ का होगा ये? CG8 राजनांदगांव। क्या डिमांड रखे इसका? तो 2,50,000 का है, 2,50,000 में छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, पेपर वेपर का अलग से रहेगा? अलग से रहेगा। अच्छा, अदर स्टेट में फाइनेंस होता है कि नहीं? होता है ना, हो जाता है अदर स्टेट में? हो जाता है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये वाला है 475 DI 19 कांकेर पासिंग आता है? ये कांकेर पासिंग, कांकेर पासिंग। कौन सी मॉडल है ये? ये 2012 का है, 2012 मॉडल, 12 का। कितने एचपी का ये? 42 एचपी। सेम वही है ना? कितना घंटा चला होगा ये? लगभग इसका 4,000 के आसपास। 4,000 घंटा। क्या डिमांड रखे इसका? 2,20,000 2,20,000 में छोड़ देंगे। 2013 मॉडल, 13 मॉडल, 13 मॉडल है। कुछ खर्चा गाड़ी में, ट्रैक्टर? फिलहाल तो अभी
कुछ नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, जो टायर डालना है जो भी है कस्टमर बोलते होंगे रेडी करके देंगे, जो भी कस्टमर बोलता है उसके हिसाब से। इसके बाद देखेंगे 575 DI, ये अंग्रेज जमाने का लुक दिया, अभी भी पुराना मॉडल है, 2013 मॉडल, 2013 मॉडल जी। कितने HP में होगा ये? 45 HP में, 45 HP में। कितना घंटा चला होगा ये भी? सरपंच में आता 4000 किलोमीटर के आसपास, 4000 घंटा। अच्छा, बहुत दिन से, साल भर से खड़ा ही है। अच्छा, आज बेच के जाएंगे, बेच के जाएंगे। क्या रेट रखे हैं इसका? 2.5 लाख, 2.5 लाख में छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये महिंद्रा का 2014 का मॉडल है। घंटा चला। क्या डिमांड रखे इसका? 3,80,000 में छोड़ देंगे जी। पूरे कंप्लीट है, सादा ही स्टीयरिंग हो गए, पूरा सादा है, है ना? इसके बाद देखेंगे ये वाली भी है ना, वो भी है महिंद्रा का 415 DI, वो मैं पूछता हूँ कौन से मॉडल है? 19 मॉडल, 2019 मॉडल। कितने HP में आता होगा ये भी? लगभग 40 के आसपास, 40 HP के आसपास। अच्छा, ये जो ट्रॉली है हाइड्रोलिक में है क्या? हाइड्रोलिक कंबाइंड है। प्राइस एक साथ देंगे कि अलग अलग? अलग अलग है, अलग अलग एक साथ भी ले सकते हैं जिसको लेना। हाँ, जिसको लेना है उसको। हाँ, कितना घंटा चलाओगे ये? लगभग 1200 घंटा का। कितना? 1200 घंटा। अच्छा, ये कितने HP में आता है? 40 40 HP में आता है। पासिंग कहाँ का? CG 018 दंतेवाड़ा। पासिंग क्या डिमांड रखे इसका? 480। दोनों मिला के? नहीं, सिंगल सिंगल का और मिला के 1,20,000 इसका है। 1,20,000 इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों साथ में लेंगे तो थोड़ा बहुत तो नेगोशिएबल होगा ना। चलो आगे और दूसरी ट्रैक्टर देखते हैं।